हाय गाइस वेलकम बैक टू चैनल आज के इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यह टॉपिक आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो ये एक सिंगल वीडियो आपके लिए काफी है इस वीडियो में हम ए टू जेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज दी का फुल फॉर्म क्या है आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा बताइए ए बी सी और डी में से करेक्ट आंसर कौन सा है कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन के आंसर को आप पहले खुद से दें पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे ही तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकेंड क्वेश्चन देखिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ ए आई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर इज सी जोन मैकर थी थर्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके बारे में है ए प्लेइंग आ गेम ऑन कंप्यूटर बी मेकिंग आ मशीन इंटेलिजेंट सी प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विथ योर ऑन इंटेलिजेंस एंड डी इज पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन बताइए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा बी मेकिंग आ मशीन इंटेलिजेंट ए आई मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के बारे में है डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका एम है टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स सो दैट मशीन कैन थिंक इंटेलिजेंटली इन द सेम मैनर एज ह्यूमन डज ताकि मशीन उसी तरह से इंटेलिजेंटली सोच सके जैसे इंसान सोचता है तो यहाँ पे हमने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए पहला था ए की फुल फॉर्म क्या होती है सेकेंड था ए के इन्वेंटर कौन है और थर्ड था ए क्या है तो ये तीन क्वेश्चन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज ए तो तीनों चीज आपको लिखना है अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो भी आप ये तीनों चीज बताने की कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ते हैं पिच पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आप बता पाएंगे कि कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है तो दिया गया है सेकेंड फोर्थ फिफ्थ थर्ड एंड नन ऑफ दी एबव आंसर क्या बनेगा सी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स ए से एसोसिएटेड है यहाँ पे देखिए द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ए आई कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट अलाउज़ कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमन्स ये कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह बिहेव करने की अनुमति देता है इसमें अक्सर वॉइस रिकॉग्निशन, द एरिया ऑफ मेडिसिन एंड एंटरटेनमेंट इन सभी फील्ड में जो है एआई को देखा जाता है पिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है तो दिया गया है ए बी सी और डी आंसर क्या होगा ए मशीन लर्निंग मसीन लर्निंग क्या है यह आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे देखिए मशीन लर्निंग इज द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसीन लर्निंग जो है ए आई का एक सब फील्ड है जिसमें यानी कि दैट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स एंड मॉडल्स जिसमें एल्गोरिदम और मॉडल्स का डेवलपमेंट शामिल है दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा मेक प्रिडिक्शंस एंड इम्प्रूव ओवर टाइम विदाउट बींग एक्सप्लिस प्रोग्राम्ड जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने प्रिडिक्शन करने यानी कि भविष्यवाणी करने और स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना समय के साथ इम्प्रूव करने की अनुमति देता है इसके बाद है, वॉट इज मशीन ट्रांसलेशन मशीन ट्रांसलेशन क्या है तो एक बार आप सभी को रीड कर लीजिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे आंसर होगा ए कन्वर्ट्स वन ह्यूमन लैंग्वेज टू अनदर मशीन ट्रांसलेशन क्या है एक इंसान की जो लैंग्वेज होती है दूसरे में कन्वर्ट करने का काम पिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये आपसे एग्जाम में रिटर्न क्वेश्चन पूछ सकता है या इंटरव्यू में पूछ सकता है कि एआई के तीन चार एडवांटेजेस बताइए तो आपको बताना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि आंसर जो है डी होगा ऑल ऑफ द एबव पहला है रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगने वाला जो टाइम है उसे कम करना यानी कि एआई की मदद से कम हो जाता है वो समय बी है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एआई हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है सी है हैव द एबिलिटी टू थिंक हेंस मेक्स द वर्क इजियर सोचने की जो एबिलिटी होती है यानी कि सोचने की क्षमता हो तो जो वर्क होता है वो आसान हो जाता है तो ये सारी चीजें जो है ए आई के एडवांटेजेस हैं इन्हें आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंटेन्स एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर डोमेन इज कॉल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें किसी विशेष डोमेन में एक्सपर्टीज होती है उसे क्या कहा जाता है तो वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम करेक्ट आंसर सी होगा द एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज और आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशंस जो है ये क्या क्या है आपको ये बताना है तो पहला यहाँ पे दिया गया है एक्सपर्ट सिस्टम्स बी है गेमिंग सी है विजन सिस्टम्स एंड डी इज ऑल ऑफ दी एबव तो आंसर डी बनेगा ये सभी है पिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे देखिए फोर ट्र बेसिक प्रोलोग सी लैंग्वेज दिए गए हैं बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज ए के लिए सुटेबल है तो आंसर बनेगा सी प्रोलोग यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट सम फॉर्म ऑफ ए आई यहाँ पर जितने भी लैंग्वेज दिए गए हैं ना ये सभी किसी न किसी फॉर्म में ए आई को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जा सकता है बट इच वन इज़ सूटेबल फॉर डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ ए आई लेकिन इनमें से सभी ए आई के डिफरेंट आस्पेक्ट्स के लिए सूटेबल हैं अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोरट्रान जो है किस आस्पेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं बेसिक हम कब करेंगे प्रोलोग का यूज कब होगा और सी का कब होगा ठीक है तो डिटेल में देखिए आपको पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोरट्रान इट इज एन ओल्ड लैंग्वेज ये एक पुरानी लैंग्वेज है जिसका यूज आमतौर पर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है इट इज नॉट कॉमनली यूज फॉर मॉडर्न ए आई एप्लीकेशन ये आमतौर पर मॉडर्न एआई एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है बट कैन स्टिल बी यूज इफ़ नेसेसरी स्पेशली फॉर टास्क दैट रिक्वायर हेवी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस लेकिन यदि नेसेसरी हो तो अभी भी इसका यूज़ किया जा सकता है स्पेशली उन टास्क को करने में जिनमें हेवी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस होते हैं ठीक है अब देखिए बेसिक इट इज अ बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज दो इट इज नॉट टिपिकली यूज फॉर ए आई एप्लीकेशंस ड्यू टू द लैक ऑफ एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड लाइब्रेरीज क्या कह रहा है बेसिक एक जो है बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है हालांकि एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर और लाइब्रेरीज की कमी के कारण इसका यूज़ आमतौर पर ए आई के लिए नहीं किया जाता है इट कैन बी यूज़ टू इम्प्लीमेंट सिंपल ए आई सिस्टम्स लेकिन इसका यूज़ सिंपल ए आई सिस्टम्स के लिए किया जा सकता है थर्ड देखिए प्रोलोग जो सबसे सूटेबल है ए आई के लिए इट इज़ अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अक्सर एसोसिएटेड होती है ए आई के साथ स्पेशली इन द डोमेन ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस विशेष रूप से एक्सपर्ट सिस्टम के डोमेन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के क्षेत्र में इट सपोर्ट्स पैटर्न मैचिंग एंड ऑटोमैटिक बैक ट्रैकिंग प्रोलोग जो है पैटर्न मैचिंग और ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है एंड फोर्थ इज सी सी लैंग्वेज ये एक लो लेवल जनरल पर्पस लैंग्वेज है इट कैन बी यूज फॉर ए डेवलपमेंट इसे यानी कि इसका यूज़ ए डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है बट इट माइट नोट बी द मोस्ट एफिशियंट चॉइस लेकिन ये सबसे एफिशियंट चॉइस नहीं हो सकता है इसमें जो है पाइथन द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले हाई लेवल एब्सट्रैक्शंस एंड लाइब्रेरीज का जो है अभाव है यानी कि नहीं है जो आमतौर पर ए में यूज़ किए जाते हैं ठीक है तो हमने देखा कि फोरट्रान बेसिक प्रोलोग और सी किन किन फील्ड में हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं और ये क्या है डिटेल में डिस्कस कर लिया है अब आगे बढ़ेंगे इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस माइट आ ब्लाइंड सर्च बी एक्सेप्टेबल बताइए निम्नलिखित में से किस स्थिति में ब्लाइंड सर्च जो है एक्सेप्टेबल हो सकती है तो यहाँ पे सिचुएशन दिया गया है ए बी सी और डी आंसर बनेगा सी स्मॉल सर्च स्पेस यहाँ पे देखिए डिटेल में ब्लाइंड सर्च इज़ ऑल्सो नोन एज अन इन्फॉर्म्ड सर्च ब्लाइंड सर्च को अन इन्फॉर्म्ड सर्च के रूप में भी जाना जाता है एंड इट डज़ नॉट कंटेन एनी डोमेन इन्फॉर्मेशन सच एज क्लोजनेस लोकेशन ऑफ द गोल एक्सेट्रा और इसमें कोई डोमेन इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्लोजनेस गोल का लोकेशन आदि इंक्लूड नहीं होता है हेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन दैट कैन बी यूज फॉर द ब्लाइंड सर्च इज स्मॉल सर्च स्पेस इसीलिए ब्लाइंड सर्च के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली सबसे सुटेबल सिचुएशन जो है स्मॉल सर्च स्पेस है। कॉमनली फॉर इंप्लीमेंटिंग ए आई एप्लीकेशन यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ लैंग्वेज दी गई है और बताना है दी गई लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज आमतौर पर ए आई को लागू करने के लिए उपयोग नहीं की जाती है ए है लिस्प एल आई एस पी बी है प्रोलोग सी है पाइथन एंड डी इज़ पर्ल तो आंसर होगा डी पर्ल ये लैंग्वेज जो है जनरली ए आई एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ नहीं की जाती है अब यहाँ पे डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले देखिए लिस्प एंड प्रोलोग लैंग्वेज आर टू ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये जो दो है सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट वर डिज़ाइंड स्पेशली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन्हें विशेष रूप से ए आई के लिए डेवलप किया गया था दे आर स्टिल यूज फॉर सम ए आई एप्लीकेशंस इन्हें आज भी कुछ ए आई एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है बट दे हैव बीन मोस्टली रिप्लेस्ड बाई पाइथन बट अब इन्हें ऑलमोस्ट पाइथन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है अब देखिए पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ इजी टू लर्न एंड यूज पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीखने और इस्तेमाल करने में ईजी है फिर आते हैं पर्ल इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका एआई एप्लीकेशंस के लिए ये जो है पर लैंग्वेज जो है एआई एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल नहीं है इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज पाइथन ये पाइथन जितना शक्तिशाली नहीं है पावरफुल नहीं है और इसमें एआई के लिए उतनी लाइब्रेरीज और पैकेज नहीं है जितना कि पाइथन के पास है ठीक है द फर्स्ट ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज कॉल्ड पहली ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है बेसिक फोरट्रॉन आई पी एल एल आई एस पी नन ऑफ दी एबव तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है सी होगा आई पी एल जो है ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है अगर एग्जाम में आपको आई पी एल ऑप्शन नहीं दिया गया है तो फिर आप इस पर टिक कर सकते हैं लेकिन अगर दिया गया है तो आप इसी पे टिक करेंगे अब इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आई पी एल का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिज़ाइंड फॉर राइटिंग ए आई प्रोग्राम्स आई पी एल को ए आई प्रोग्राम्स लिखने के लिए डिज़ाइन की गई सबसे जो है पुरानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसिडर किया जाता है माना जाता है इसे जो है एलन नेवेल क्लिफ सो और हर्बर्ट साइमन द्वारा डेवलप किया गया था 1950s फिफ्टीज के एंड में रैंड कॉरपोरेशन में आ रोबोट्स आर्म इज ऑल्सो नोन एज इट्स रोबोट की बाह को किस रूप में जाना जाता है तो यहां पे ए बी सी और डी दिया गया है आंसर बनेगा सी मैनिपुलेटर मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू यहां पे लिस्ट वन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए गए हैं लिस्ट टू में इन्वेंटर के नेम दिए गए हैं आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर फोर्थ होगा यहाँ पे एक सेकेंड वेट कीजिएगा आप देखिए जावा जो है ये जेम्स ए गोजलिंग के द्वारा इन्वेंट की गई है बी है सी लैंग्वेज जो डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई है सी होगा एल आई एस पी लिस्ट जो जॉन मैकर्थी के द्वारा इन्वेंट हुई है एंड डी इज पाइथन जिससे इन्वेंट किया गया है गुइडो वैन रोमुस के द्वारा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन्वेंटर के नेम आपको याद रखने हैं द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स वाज कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज कौन सी थी ए पास्कल बी फोक्स प्रो सी फोरट्रान एंड डी इज कोबोल करेक्ट आंसर होगा सी फोरट्रान सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है जो आपको याद रखना है एग्जाम में कई बार पूछा गया है वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाई आई बी एम इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन फोरट्रान पहली कंप्यूटर लैंग्वेज थी जिसे नाइन्टीन फिफ्टी सेवन में आई बी एम के द्वारा डेवलप किया गया था इट इज़ यूज इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जाती है पास्कल इट वॉज डिज़ाइंड फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस एंड यूज ऑन स्मॉल कंप्यूटर्स एंड इज बेटर स्ट्रक्चर्ड दैन बेसिक पास्कल इसे कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसका यूज़ स्मॉल कंप्यूटर्स पर किया जाता था और ये बेसिक की तुलना में बेटर स्ट्रक्चर्ड है क्स प्रो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लास्ट है कोबोल इट इज अ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज पिच ए आई टेक्निक इनेबल्स द कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स कौन सी ए आई तकनीक कंप्यूटर को वस्तुओं और घटनाओं के बीच संघों और संबंधों को समझने में सक्षम बनाती है ए बी सी एंड डी दिया गया है राइट right आंसर क्या होगा डी पैटर्न मैचिंग पैटर्न मैचिंग ए आई टेक्निक है जो इनेबल करती है कंप्यूटर्स को ऑब्जेक्ट और इवेंट के बीच एसोसिएशन और रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने में वेब क्रोलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इनमें से किसका एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है वेब क्रोलर का तो आंसर है ए इंटेलिजेंट एजेंट द वेब क्रोलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द वेब सच एज एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स इमेजेस टेक्स्ट फाइल्स एक्सेट्रा जो वेब से एच एम एल डॉक्यूमेंट्स इमेजेस टेक्स्ट फाइल आदि जैसे रिसोर्सेस कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है द मेन फंक्शन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज टू डैश बताइए प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मुख्य कार्य क्या है दिया गया है ए सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड रीच द गोल दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करें और गोल तक पहुँचे बी है फाइंड आउट विच सिक्वेंस ऑफ एक्शन विल गेट इट टू द गोल स्टेट पता लगाए कि एक्शन का कौन सा सिकवेंस इसे गोल तक पहुँचाएगा एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दी एबव तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा बोथ ए एंड बी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का मेन फंक्शन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स आर द गोल बेस्ड एजेंट्स दैट यूज डिफरेंट सर्च स्ट्रैटेजी एंड एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ गिवेन प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं जो किसी दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजी और एलोगिदम का यूज करते हैं वेज टू अचीव ए आई इन रियल लाइफ आर डैस वास्तविक जीवन में ए आई प्राप्त करने के क्या तरीके हैं तो यहाँ पे दिया गया है ए मशीन लर्निंग बी है डीप लर्निंग सी है बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ दी अबव तो यहाँ पे आंसर बनेगा सी बोथ ए एंड बी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर द टू वेज टू अचीव ए आई इन रियल लाइफ मसीन लर्निंग और डीप लर्निंग रियल लाइफ में ए अचीव करने के दो तरीके हैं यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्राइज विद इन ए आई में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है तो आंसर क्या होगा सी बोथ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मशीन लर्निंग क्या है ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है अब हम देखेंगे कि डीप लर्निंग क्या है डीप लर्निंग इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एक टाइप की मशीन लर्निंग है दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विथ मल्टीपल लेयर्स टू मॉडल एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो जटिल समस्याओं को मॉडल और सॉल्व करने के लिए मल्टीपल लेयर्स वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करती है इट इज़ आ सबसेट ऑफ ए आई डीप लर्निंग ए का एक सबसेट है और इसका यूज़ इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन के लिए किया जाता है पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से कौन सा ए आई का एप्लीकेशन नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा ए डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल असिस्टेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर कंप्यूटर विजन ये सभी क्या हैं तो ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन है आंसर होगा ए ये नहीं है द मेन टास्क ऑफ एन ए आई एजेंट आर डैस ए आई एजेंट के मेन टास्क क्या है तो ए बी सी एंड डी दिया गया है आंसर होगा सी परसीविंग थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन द इन्वायरमेंट यहां पे देखिए द मेन टास्क ऑफ एन ए आई एजेंट आर परसीविंग थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन द एन्वायरमेंट ए आई एजेंट का मेन टास्क इन्वायरमेंट को समझना इन्वायरमेंट के बारे में सोचना और उस पर एक्ट करना है द बेस्ट ए आई एजेंट इज़ वन विच डैश सबसे अच्छा ए आई एजेंट वह है जो नीड्स यूजर इनपुट्स फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजर इनपुट की मदद लेता है आप कह सकते हैं नीड होती है जिसे बी है कैन सॉल्व आ प्रॉब्लम ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन बिना किसी मानव हस्तक्षेप के खुद ही किसी समस्या का समाधान कर सकता है सी कहता है नीड आ सिमिलर एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम इन इट्स नॉलेज बेस इसके नॉलेज बेस में एक सिमिलर एग्जाम्पलरी प्रॉब्लम की आवश्यकता होती है एंड डी इज ऑल ऑफ बताइए सबसे अच्छा ए आई एजेंट कौन है तो आंसर क्या बनेगा बी कैन सॉल्व आ प्रॉब्लम ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन विच ऑफ द गिवेन एलिमेंट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए आई एजेंट सो दैट इट कैन मेक बेटर डिसीजन दिए गए तत्वों में से कौन सा ए एजेंट के प्रदर्शन में सुधार करता है ताकि वह बेहतर निर्णय ले सके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी लर्निंग एलिमेंट लर्निंग एलिमेंट ए एजेंट के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करता है ताकि वह बेटर डिसीजन ले सके यही चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया है अ लर्निंग एलिमेंट मोडिफाइज द परफॉर्मेंस एलिमेंट सो दैट इट कैन मेक बेटर डिसीजन एक लर्निंग एलिमेंट परफॉर्मेंस एलिमेंट को मॉडिफाई करता है ताकि वह बेटर डिसीजन ले सके विच ऑफ द मैंसनड ह्यूमन बिहेवियर डज द ए आई एम टू मिमिक ए आई का उद्देश्य मेंशन किए गए ह्यूमन बिहेवियर में से किसकी नकल करना है थिंकिंग ईटिंग स्लीपिंग नन ऑफ द एबव तो आंसर क्या होगा ए थिंकिंग आई क्या करना चाहता है इंसानों की तरह सोचना चाहता है ना कि खाना और सोना द मेन एंड फॉर मोस्ट एम ऑफ ए आई इज टू मेक द मशीन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन और सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पर्पस मशीन को इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए रेडी करना है इन केस अ मशीन इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प देन द मशीन इज कॉल्ड डैस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा यदि कोई मशीन बिना किसी बाहरी मदद से बाहरी वातावरण के आधार पर अपनी कार्य प्रणाली को बदलने में सक्षम है तो उस मशीन को क्या कहा जाता है तो ऐसी मशीन को हम कहेंगे ए इंटेलिजेंट मशीन यहां पे देखिए वेन अ मशीन इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स कोर्स ऑफ एक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प द सेम इज सेट टू बी एन इंटेलिजेंट मशीन जब कोई मशीन बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपनी कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज करने में कैपेबल होती है सक्षम होती है तो उसे इंटेलिजेंट मशीन कहा जाता है पिचअबा फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ ए आई निम्नलिखित में से कौन सा ए का लक्ष्य नहीं है पर्पस नहीं है तो पहला दिया गया है ए थिंकिंग ह्यूमनली यानी कि इंसानों की तरह सोचना तो ये ए का गोल है नहीं पूछा आपसे कौन सा नहीं है बी है अडोप्टिंग टू द इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अनुकूल ढलना सी है टू रूल ओवर ह्यूमन्स इंसानों पर राज करना एंड डी इज रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बताइए कौन सा नहीं है तो आंसर क्या बनेगा सी टू रूल ओवर ह्यूमंस ए का गोल इंसानों पर राज करना नहीं है बल्कि वो इंसानों की तरह सोचना चाहता है इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन के अनुकूल ढलना चाहता है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है ये सारे उसके गोल हैं यहां देखिए द गोल ऑफ ए आई माइट बी टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स वे ऑफ थिंकिंग बट इट्स गोल इज नेबर टू लेट ए आई रोबोट्स रूल ओवर ह्यूम्स इफ दिस इट विल अ सीरियस मैन मेड डिजास्टर क्या कह रहा है ए आई का परपज ह्यूमन बिहेवियर और उसके थिंकिंग के तरीक जो तरीका है उसे कॉपी करना हो सकता है लेकिन इसका पर्पस ए आई रोबोट को इंसानों पर जो है क्या कह सकते हैं आ, राज करना या शासन करना कभी नहीं है यदि ऐसा हुआ तो यह एक सीरियस डिजास्टर का कारण बनेगा पिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल ए आई एजेंट यहां पर दिया गया है सिंपल मॉडल गोल यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बताना है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली ए एजेंट माना जाता है तो सबसे शक्तिशाली माना जाता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट को यहाँ पे देखिए द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट इज़ टर्म्ड एज द मोस्ट पावरफुल एजेंट बिकॉज इट मीट्स ऑल द यूजर नीड्स एज वेल एज टेक्स केयर वेदर द यूजर इज सेटिस्फाइड और नॉट यूटिलिटी बेस्ड एजेंट को सबसे पावरफुल एजेंट कहा जाता है क्योंकि ये यूजर की सभी नीड्स को पूरा करने के साथ साथ ये भी जो है ध्यान रखता है कि यूजर सेटिस्फाइड है या नहीं द न्यू ऑर्गेनाइजेशन इस्टिस्ड टू इम्प्लीमेंट द फिफ्थ जनरेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड पांचवी पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नए संगठन को कहा जाता है ए बी सी डी या फिर ई e, तो आंसर होगा ए आई सी ओ टी इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ठीक है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग रीजनिंग एंड लर्निंग इज नोन एज सोचने तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं ज्ञात होती है तो आंसर क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही तो एम है इंसानों की तरह सोचना रीजनिंग तर्क करना और लर्निंग करना ठीक है तो यहाँ पे आंसर सी बनेगा देखिए द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ थिंकिंग रीजनिंग एंड लर्निंग इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचने तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर सिस्टम की जो करिस्ट्रिक्ट जो है होती है उसे हम एआई कहते हैं एआई कहा जाता है LISP एस पी मशीन ऑल्सो आर नोन एज ऐसी मशीन को कहा जाता है ए आई वर्क स्टेशन एल आई एस पी वॉज क्रिएटेड बाई एल आई एस पी किसके द्वारा बनाया गया था तो हमने आपको बताया है जोन मैकर्थी के द्वारा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स देखिए अ माउस डिवाइस में भी एक माउस डिवाइस हो सकता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल मैकेनिकल ऑप्टिकल बोथ बी एंड सी या फिर नन ऑफ दी बनेगा तो एक माउस डिवाइस मैकेनिकल हो सकता है और ऑप्टिकल हो सकता है सोफ, यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के उदाहरण है तो आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ दी बगर्स एडिटर्स असेंबलर्स कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स ये सभी क्या हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के एग्जाम्पल कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स ये किसके एग्ज़ाम्पल हैं तो राइट right आंसर होगा फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के डिटेल में डिस्कस करते हैं अ कंपाइलर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या कह सकते हैं प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरप्रेटर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को पहले मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कंपाइल किए बिना डायरेक्ट जो है एग्जिक्यूट करता है विच ऑफ द फ़ॉलोइंग एल्गोरिदम इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे ए बी सी एंड डी दिया गया है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है तो राइट आंसर सी होगा हील क्लाइंबिंग एल्गोरिदम आ हील क्लाइंबिंग एलगोरिदम इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एल्गोरिदम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम एक टाइप का ए आई एल्गोरिदम है दैट कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्स इन वैल्यू अनटिल इट रीचेज अ पिक सॉल्यूशन जो पिक सॉल्यूशन तक पहुंचने तक कंटिन्यू वैल्यूज में इम्प्रूवमेंट करता है दिस मेथड इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल इशूज एज वेल एज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मार्केटिंग एंड शेड्यूलिंग इस मेथड का यूज मैथमेटिकल इशूज के साथ साथ मार्केटिंग एंड शेड्यूलिंग जैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के एप्लीकेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा यूज ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, मशीन्स एंड सेंसर्स फॉर इम्पावरिंग ब्रिक एंड मोटर्स स्टोरस बाई गिविंग देम द सेम एक्सेस टू डेटा दैट ऑनलाइन स्टोर्स हैव इज अ फैसिलिटी फॉल्स अंडर पिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस मशीन्स और सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट का यूज़ ब्रिक और मोटर्स स्टोर को डेटा तक वही एक्सेस प्रोवाइड करके इम्पावर बनाता है जो ऑनलाइन स्टोर्स के पास है ये फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजीज के अंडर आती है तो आंसर होगा डी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आई ओ टी यहाँ पर डिटेल में समझिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आई ओ टी रेफर्स टू द इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस मशीन्स एंड सेंसर्स दैट आर इम्बाइडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर एंड सेंसर्स एंड कैन कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा ओवर द इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स फिजिकल डिवाइसेस, मशीन और सेंसर्स के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को रेफर करता है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और सेंसर्स के साथ इम्बाइडेड होते हैं और इंटरनेट पर डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज कर सकते हैं इन द कंटेक्सट ऑफ ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स, ब्रिक और मोटर के संदर्भ में देखिए आई ओ टी कैन बी यूज टू कनेक्ट आ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस स्मार्ट सेल्फ कैमराज एंड कस्टमर मोबाइल डिवाइसेस टू प्रोवाइड एक्सेस टू डेटा इन रियल टाइम ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स के कंटेक्सट में देखिए रियल टाइम में डेटा तक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस और सेंसर्स जैसे स्मार्ट सेल्फ कैमराज और कस्टमर मोबाइल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जा सकता है वट इज़ द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल क्या है यानी कि लक्ष्य क्या है पर्पज़ क्या है तो यहाँ पे दिया गया है ए टू सॉल्व आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बी है टू एक्सट्रैक्ट साइंटिफिक कॉजेस वैज्ञानिक कारण जो है निकालना सी है टू एक्सप्लेन वेरियस सोर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस के विभिन्न टाइप की व्याख्या करना एंड डी इज टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अब बताइए सबसे अप्रोप्रियट आंसर ए बी सी एंड डी में से क्या होगा सी टू एक्सप्लेन वेरियस सोर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से कौन सा ए का एक घटक है तो आंसर क्या होगा ए लर्निंग लर्निंग एक कंपोनेंट है एआई का आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देखिए द प्रोसेस बाय विच यू बिकम अवेयर ऑफ मैसेजेस थ्रू योर सेंस इज कॉल्ड डैश वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से संदेशों के प्रति जागरूक होते हैं डैश कहलाती है तो आंसर होगा डी परसिप्शन कहलाती है देखिए वह प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपनी सेंस के थ्रू मैसेजेस के प्रति अवेयर होते हैं परसेप्शन कहलाती है जिसे हिंदी में कहते हैं धारणा और क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखिए परसेप्शन इन्वॉल्व्स डैश परसेप्शन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो दिया गया है डांसिंग बॉक्सिंग हिटिंग साइट्स साउंड्स स्मेल एंड टच तो कौन सा राइट आंसर होगा ए होगा परसेप्शन में इन्वॉल्व होता है साइट्स यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं दृश्य साउंड स्मेल एंड टच तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है परसेप्शन में तो हमने फोर्टी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस किया है अब इसी से रिलेटेड टेन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है अब तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए का जनक किसे माना जाता है वीडियो के एंड में आपको बताना है कि टेन में से कितने क्वेश्चन के आंसर को आप सही कर पाए हैं तो आपने आंसर सोचा होगा बी जॉन मैकर थी इन्हें ए का फादर कहा जाता है सेकेंड देखिए वट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स उस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए जो ह्यूमन की विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है तो आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन भी हमने कराया है अलग तरीके से आप वहां पे दिया गया था क्वेश्चन एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं ऐसे प्रोग्राम को एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं जो मनुष्य की विचार प्रक्रियाओं का अनुकरण करता है थर्ड देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर दैट आ ब्लाइंड सर्च कैन बी यूज सबसे उपयुक्त स्थिति का चयन करें जिसके लिए ब्लाइंड सर्च का उपयोग किया जा सकता है तो आंसर क्या होगा बी स्मॉल सर्च स्पेस फोर्थ देखिए द फर्स्ट ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है तो दिया गया है बेसिक फोर ट्र आई पी एल आई एल एस पी एल आई एस पी तो आंसर यहाँ पे क्या होगा डी होगा एल आई एस पी हमने आपको बताया था कि पहली ए आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आई पी एल है तो आई पी एल की फुलफॉर्म क्या होती है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है जो कि यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है तो इन केस अगर ये रॉन्ग दिया गया है या ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो हम इस पर टिक कर सकते हैं ठीक है चलिए पिछ सर्च स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो कोल्ड एज ब्लाइंड सर्च इस सर्च स्ट्रैटेजी को ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है जब हमने ब्लाइंड सर्च को डिटेल में डिस्कस किया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि ब्लाइंड सर्च को अनइनफॉर्म्ड सर्च भी कहा जाता है तो करेक्ट आंसर ए होगा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे होंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट्स निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नहीं एडवांटेज यानी कि लाभ नहीं है तो यहाँ पे ए दे कैन असिस्ट ह्यूमन्स विथ डिसबिलिटीज वे विकलांग मनुष्यों की सहायता कर सकते हैं बी है दे कैन रिप्लेस जॉब्स वे नौकरी जो है रिप्लेस कर सकते हैं सी है दे कैन बी यूज इन डेंजरस इन्वायरमेंट इन्हें डेंजरस इन्वायरमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं डी है दे डू नॉट गेट टायर्ड और रिक्वायर अ ब्रेक वे थकते नहीं हैं या इन्हें ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है अब बताइए कौन सा एडवांटेज नहीं है तो आंसर क्या होगा बी दे कैन रिप्लेस जॉब ये एडवांटेज नहीं है ये रोबोट्स का डिसडवाटेज है देखिए सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए वॉट इज मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग क्या है डीप लर्निंग क्या है ये हमने देखा है अब यहां पर बताइए ए बी सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा रीडिंग स्टार्ट कीजिए आंसर होगा ए द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर एट देखिए पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ हा रोबोटिक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम निम्नलिखित में से कौन सा रोबोटिक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम से जुड़े एडवांटेजेस में से एक नहीं है तो यहाँ पे ए बी सी और डी दिया गया है तो इसे भी आप रीड करना शुरू कीजिए आंसर हम आपको बताते हैं ए लो कॉस्ट फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम लागत जो है ये रोबोटिक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम से जुड़े एडवांटेजेस में से एक नहीं है ठीक है यहाँ पे देखिए विच इज़ नॉट द कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ए आई एआई के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है ये भी क्वेश्चन डिस्कस हमने किया है तो आंसर आप बता पा रहे होंगे डी होगा पर्ल और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल और ए क्या है उम्मीद करते हैं आप अपना आंसर कलेक्ट कर लिए होंगे सी होगा मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट टेन में से कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है कमेंट में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा ये बताना आपको नहीं भूलना है अगर आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक कर